कि मेरा अपना इसमें ऊपर लिखा था ना कि ये समाधि मरण नहीं है, समाधि तो जीवन है। ये पंक्ति आई थी, ये पंक्ति है, समाधि ये मरण नहीं है, समाधि तो जीवन है। पढ़ो, बोलो। अरे समाधि मरण नहीं है, रे समाधि तो जीवन है। सहज समाधि मोह क्षोभ से रहित परणमन ही तो है। ये जीवन है, ये जीवन भर, ये समाधि जीवन भर रह सकती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं 67 वर्ष का हो गया हूँ इसलिए मैंने समझ, ये समझ लो कि मेरी जात जो आजाद जब समझ में आई तब मैंने धारण करी कि जीवन भर रह सकती है। यदि मेरे को 19 वर्ष की उम्र में समझ में आती तो मैं तब से ही धारण कर लेता। ये प्रश्न किया था ना कि एक कैसी समाधि है तुम्हारी चलते, क्योंकि हमने चलते फिरती समाधि नहीं देखी है, हमने तो परे अधमरे लोगों को समाधि का स्मरण देखा है। क्या जो सहज समाधि महय जीवन, जीवन भर रह सकता है किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। जो मरण तो अंत में जब ये अपनी मनुष्य आयु कर्म का उदय समाप्त होगा और जो भी अगली आयु कर्म होगी उसका उदय हो जाएगा, है ना, तब ये वो जो एक ही समय में होगा ना, वो एक दो तीन समय की बात है पीयूष, वो तो विग्रह गति की बात है कि रास्ते में कितना समय लगेगा दूसरी देह में जाने के लिए, वो मरण की बात नहीं है। तो एक समय पहले जीवन जीवित है वो आदमी और एक समय बाद में वो जीवित नहीं है, है ना। जैसे मैं समझाता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कोई ऐसी बड़ा गड्ढा नहीं है, नदी नहीं है, एक आड़े बाल के बराबर जमीन इस तरफ की हिंदुस्तान है और उसकी उस तरफ की पाकिस्तान है और उसमें बीच में कोई सीमा देखा नहीं है, है ना। ऐसा हो सकता है हमारा एक पैर हिंदुस्तान में हो एक पैर पाकिस्तान में हो सकता है ना, है? देखो तो मरण तो एक समय का है, मरण में समाधि मरण, मरण में समाधि कहाँ से आएगी, वो तो भागम भाग का काल है, है? उसमें तो सात राज चलना पड़े, किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। अब सत्य श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, यदि सम्यक श्रद्धा हो गई मैंने सम्यक दर्शन हो गया तो समाधि निरंतर 24 घंटा बिना अंतर के सोते वक्त जागते वक्त जीवन भर रह सकती है। सत्य श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, अरे समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। समाधि मरण की भावना जीवन भर रह सकती है, समाधि मरण नहीं। कि मेरा मरण समाधिमय हो, जब मैं समाधि में तो हर ज्ञानी का जीव जो का समाधिष्ठी जीव का मरण समाधि मैं ही होता है, क्योंकि समाधि तो उसे निरंतर मौजूद है ना। युद्ध के मैदान में लड़ते वक्त गोली लगी वो सब समाधि मरण है उसका, क्योंकि समाधि तो उसे मौजूद थी। अब वो समाधि क्या है जो हर जगह जीवन भर हर समय रह सकती है, वो घटित करना सोचना सब हर परिस्थिति में वो समाधि रह सकती है। सहज समाधि में यह जीवन जीवन भर रह सकता है किंतु मरण तो अंत समय में समय मात्र को होता है। सत्य श्रद्धा के साथ समाधि रहे निरंतर जीवन भर, अर समाधि के साथ मरण हो रहे भावना जीवन भर। तो जीवन में जीवन की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं,
जी अब वो कैसे करना चाहिए, जो भी हमारी मर्यादा के अनुसार प्रतिकार हो। श्रीमद रायचंद के पास गांधी जी पहुँचे। गांधी जी सारे विश्व में बहुत प्रसिद्ध महामानव हैं और वो अहिंसा का प्रचार बहुत करते थे। वे अहिंसा के नाम पर वो उनकी प्रसिद्धि बहुत थी, तो लोग उनसे हजारों प्रकार के प्रश्न करते थे और राजनीति में होने से और ज़्यादा। तो उन्होंने श्रीमद से ये पूछा कि एक आदमी ने आकर के उसके हाथ में पिस्तौल है और उसने मेरी छाती पर लगा दी, मेरे हाथ में भी भाग्य से पिस्तौल है और मैंने उसकी छाती पर लगा दी। और भी उदाहरण को थोड़ा अपन बदल सकते हैं, लेकिन यही ठीक रहने दो। अब वो कहते हैं कि यदि मैंने एक समय की देर की तो गोली उसने चला दी तो मैं मर जाऊंगा, यदि मैंने चला दी तो वो मर जाएगा, तो मुझे क्या करना है। इसको और सरल मतलब सरल नहीं मार्मिक बनाना हो तो एक सांप है भयंकर, बहुत जहरीला है, कि यदि वो काट खाएगा तो हम बिल्कुल गारंटी से मर जाएंगे, पर हमारे हाथ में पिस्तौल है और वो फन लिए खड़ा है, अब उसने ऐसा मारा तो हम मर जाएंगे, उसके पहले हमने पिस्तौल चला दी और वो मर जाएगा, हमें क्या करना। हमने आदमी को हटा के सांप को खड़ा किया, समझिए। तो श्रीमद चुप रहे, कुछ बोले नहीं। तो बहुत उनने बहुत कहा, तो बहुत पीछे पड़ गए, तो वो बोले कि तुम गोली मत चलाओ, तुम गोली चला दो, ऐसा कहकर मैं तुम्हें नरक में जाने की परमिशन नहीं दे सकता। क्या? क्योंकि जब तुम ऐसे हत्या करोगे तो तुम नरक में जाओगे और कई भव बिगड़ जाएंगे तुम्हारे आगे के। और उसने चला दी तो कि तुम नरक में थोड़ी जाओगे। और तुम्हारी क्या जो 60-70-80 वर्ष का जीवन था उसमें अधिकांश तो तुमने भोग लिया, अब थोड़ा बहुत बचा है, उसे बचाकर क्या करोगे? यानी मैं अनंत भव में संसार में भटकने की परमिशन तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारे मरने से तुम्हारा अनंत संसार नहीं बढ़ेगा, लेकिन तुम्हारी गोली चलाने से उसके मरने से तुम्हारा अनंत संसार, मैं तुम पर करुणा करके ये बात कह रहा हूँ, उस पर नहीं। क्या? तुम्हारे अनंत भव में भटकने से बचाने की बात कह रहा हूँ। तो यही यहाँ पर ये कहते हैं कि अर समाधि के साथ ये भावना में कि जब भी मेरा मरण हो तो मेरा चित्त समाधि में रहे। बस मैंने इस पर बहुत विचार किया, अभय कुमार जी आपका ध्यान विशेष आकर्षित कर रहा हूँ मैं, आपका संदेश मुझे मिल गया है, अच्छा लगा है। क्या मैं कह रहा था श्रीमद की बात तो खत्म हो गई है। अभी आएगा तो फिर बताऊंगा, अभी मेरा ऐसा स्मृति कुछ थोड़ी चली जाती है, आ जाती है 2-5 मिनट में, फिर वो बात याद है। कई दफे की बोली हुई चुनते थे, कोई ऐसी नवीन बात नहीं है। मैं ये कह रहा था शायद कि मैंने अतिचारों के बारे में गंभीरता से विचार किया, क्योंकि इसमें एक पंक्ति ऐसी आई है
कि अनाचार की तो बात बहुत दूर, अतिचारों की भी संभावना नहीं, बोलो रहे। तो मैंने कहा कि भई अतिचार, मैं कहता हूँ मैं समाधि में हैं तो अतिचार की नहीं है, होना चाहिए। और मैं कह भी रहा हूँ कि अनाचार तो होना ही नहीं चाहिए, अतिचार भी नहीं होना चाहिए। तो मैंने तत्वासूत उठाया, अपनी टीका उठाई और टीकाएँ उठाईं और भी यहाँ वहाँ देखा। बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो। अनुकूलों से अनुराग नहीं, अर बीती बातें याद नहीं। अनाचार तो बहुत दूर, अति चारों की भी बात नहीं। जो कुछ जैसा होने वाला, उससे कोई इनकार नहीं। सब सहज भाव से है, स्वीकृत है, कोई अन्य प्रकार नहीं। कहते अतिचारों, अतिचार तो कहते मरणा संसार और जीविता संसार। कि मैं जल्दी बहुत तकलीफ हो, अपने लिखा है उस किताबों में, मैंने भी लिखा है कि बहुत मैं तकलीफ, समाधि मैंने ले लिया है लेकिन बहुत तकलीफ है, हो रही है। तो ये शिक्षा है कि जल्दी मर जाऊँ, ख़त्म हो जाए। ये मरणा संसार है और ले तो ली है, लेकिन जितना जीवित रहूँ उतना अच्छा है, ये जीने की इच्छा है। तो ये तो जो जिसने वो ले ली है ना समाधि में, उसकी बात है। अब मैंने तो समाधि की बात कर रहा हूँ। तो हम तो ये बोलते हैं, चाहे लाखों वर्षों तक जीऊँ और चाहे मृत्यु आज ही आ जावे। और ये जो हिंदी का छंद है, ये संस्कृत का सम वो है, अपना समाधि पाठ है ना, उसकी पंक्ति है। सुखे दुखे बैरण बंधु वर्गे, योग वियोगे भवने बने वा, वो है ना, उसमें है स्पष्ट शब्द है कि चाहे लाखों वर्षों तक जीऊँ और चाहे मृत्यु आज ही आ जाए। बारह भावना में उनने लिखा है, वो हमारे संस्कृत में भी पढ़ा है मैंने, प्राकृत में भी पढ़ा है। माने वो अकेले किसी पंडित की बात है, ऐसा कह के हम नहीं टाल सकते। तो हम ये कहते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम ये मानते हैं कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में एक एक समय का आया है। हम कब मरेंगे ये उनके ज्ञान में आया है, और कब किस गति में जाएंगे, कहाँ पैदा होंगे, ये उनके ज्ञान में आया है। और आयु कर्म बंध गया इसलिए नहीं, अनंत काल पहले से आया है परमात्मा। सुनने तब ये बिल्कुल नक्की आया है, तो हम जल्दी मरने की इच्छा करते हैं कि और ज़्यादा जीने की इच्छा करते हैं, तो उस परम सत्य को स्वीकार नहीं कर रहे, और समाधि में वो परम सत्य स्वीकृत होता है। इसलिए वो जीवन भर की बात है, वो समाधि मरण की बात नहीं है अकेले। क्या हम ये जो बात कह रहे हैं कि हम मरने को भी तैयार हैं जब भी हमारा मरण, क्योंकि अकाल में मरण होता ही नहीं है ना, ये हमने पक्का निर्णय किया है ना सर्वज्ञ की वाणी के अनुसार। अब अकेले गुरुदेव पर टालो नहीं, गुरुदेव के प्रति श्रद्धा हम व्यक्त करें कि उनने हमें बताया, हम कृतज्ञता व्यक्त करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो सर्वज्ञ भगवान की बात है, उनकी बताई बात है, और सर्वज्ञ भगवान की वस्तु के स्वरूप की बात है। ये तो वस्तु के स्वरूप में नक्की है कि तीन काल के जितने समय हैं, हमारे हर गुण की हर पर्याय उतनी पर्यायें एक एक समय में एक एक खचित हैं। अब ये जो परम सिद्धांत है, वो परीक्षामुख का सूत्र है, स्वाभाव लक्षण योग्यता ही नियत मध्यम व्यवस्था, ये उसकी बात है। हमारी उसके प्रति हमने अपनी अनंत श्रद्धा को व्यक्त किया है। जो मैंने खेमचंद भाई से प्रश्न किया था कि इस सूत्र को आपने आधा क्यों दिया,
और राम जी भाई से इसमें जवाब मिला कि हमने वो लौकी जैसा छांट दिया, लेकिन मैं ये कहता हूँ मेरे पास उसका जवाब है। बहुत आगम के अनुसार कि वो एक एक समय नक्की है ना, तो वो हम क्षयोपशम लक्षण शब्द लिख देते तो उसका वजन कम हो जाता। योग्यता, योग्यता माने जिस समय वो मौत होनी है उस समय ही होगी। वो जो है ना पांच प्रकार के कारण, तत्समय की योग्यता वाला क्षणिक उपादान, असली कारण तो वो है ना, तो हम उस कारण पे बल देना चाहते हैं भी, तो उस योग्यता को क्षयोपशम लक्षण से कहकर उस योग्यता का कीमत कम नहीं करना चाहते। वो तो न्याय शास्त्र का ग्रंथ है तो उनने क्षयोपशम लक्षण लिख दिया। ये मेरी तर्क समझ में आ रहा है ना, वो उससे बड़ी बात है, वो क्षयोपशम लक्षण मालसी वाली बात नहीं है, क्यों क्षयोपशम तो बहुत बाद में हुआ होगा उस समय उसका, लेकिन वो क्षयोपशम होगा और ये इस समय होगा ये नक्की तो बहुत पहले से है। आजकल मुझे हर पे आदमी से प्रश्न का ये जवाब आता है, कि भगवान महावीर से यदि आज की ये बात पूछते, मैं इस समय इतने बजकर इतने मिनट पर ये बात यहाँ कहूँगा, तो वे बता सकते थे कि नहीं, क्या कहूँगा ये बता सकते थे कि नहीं। मैंने इसमें ऐसा लिखा है कि आपका मन क्या कहता है, क्या कहाँ है वो निकाल सकते हो। यदि महावीर से ऐसा पूछा जाता तो महावीर क्या कहे, तुम्हारा मन क्या कहता है, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे, कि महावीर से ऐसा पूछा जाता तो वे क्या कहते, तो वो ये कह देते कि अभी वो उसका नक्की नहीं हुआ है, जब नक्की हो जाएगा बता दूँगा हैं, क्योंकि अभी नक्की होना बाकी थोड़ी है, कोई भी पर्याय का होना। हाँ मिल गया, वो इस कविता में नहीं है, इसी दूसरे में है, हैं शायद वो तत्व चिंतन में है, क्या है रोला शतक में निकाल बोलो। ये सब घुले मिले हैं, मैंने एक एक शब्द बिल्कुल बहुत सोच सोच के लिखा है। हाँ बोलो पढ़ो। यदि महावीर से पूछा जाता, हाँ आदिनाथ ने समझाया मारीच न माना, क्योंकि भव का अभी किनारा बहुत दूर था। शेर न माना क्योंकि किनारा पास आ गया, काल लब्धि के बिना अरे कुछ समझ न आया। हाँ ये सुना, ये कहाँ आया, महावीर से पूछा है? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा प्रश्न है उसमें, कि यदि ये बात महावीर से पूछी जाती तो वे इसका उत्तर देते कि नहीं, तुम्हारा मन क्या कहता। तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरा मन तो ये कहता है कि हाँ महावीर बता देते, नहीं तो महावीर केवल ज्ञानी सिद्ध नहीं होते थे। तो इसका मतलब यह है कि वो बात नक्की थी, ये नक्की हो गया। इतने यदि महावीर बता देते, आपको ऐसा पक्का भरोसा है तो आप कर्म पर्याय मानते हैं, सारा प्रणमंत विश्व का सुनिश्चित है, आप मानते हैं, फिर भी आप जानते नहीं हैं कि आप क्या क्या मानते हैं है? आज मत हो परेशान, अब कल खोज के लाना, फिर सुनाना ही पंक्ति क्या, कि हर एक आदमी जब भी किसी बात में की आशंका आवे
तो एक प्रश्न अपने मन में उठाना, ये महावीर से पूछा जाता था वो बता देते कि नहीं है? दिल्ली में क्या होगा, अपनी दिल्ली की बात कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। क्या होगा महावीर से पूछा जाता तो वो बता सकते थे कि बबलू के नहीं है? इसका मतलब नक्की है, जो होना था वो तब से नक्की है। इसमें आकुलता करने का काम क्या है, और उसमें हम बदला बदली कर देंगे, हम बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए हम कुछ कमाल पैदा कर देंगे। एक कमाल पैदा होता ही नहीं, कमाल तो कबीर के पैदा होता है, हमारे यहाँ कमाल नहीं होता। सब नक्की है ना, ये के बाद तो निराकुल रहा जा सकता है ना, इस चिंतन के आधार पर। देखो इस समाधि तभी हो सकती है कि आपको ये पक्का भरोसा हो कि सब कुछ एक एक समय की पर्याय का सब कुछ नक्की है। यदि इसमें कमी रही तो काम नहीं, तुम परमात्मा बोल रहे, तुम्हारा प्रयोजन मैं सुन रहा था, तो तुम्हें यहाँ वहाँ बहुत कर्तापन पे वो मान रहे थे दिमाग, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं हमारा जाता है कि एक एक समय का नक्की है, तो वो कुछ इसका वो कर कुछ कर सकता है कि नहीं। अरे कोई किसी का ना, अपना अपना ना, एक एक समय की पर्याय नक्की है, तो उसमें क्या करना नक्की रह गया। मैं तो बहुत सरल भाषा में दो शब्द डाल दिए हर जगह कि पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में फेरफार नहीं कर सकता, यानी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, और अपनी पर्यायों का कर्ता स्वयं है पर उनमें फेरफार नहीं कर सकता। ये दो पंक्तियां हैं तेरे पास है? क्या फिर बोलता हूँ, पर का तो कुछ नहीं कर सकता, अपनी पर्यायों में फेरफार नहीं कर सकता, ये दो महीने पट गया सब, बस कदम। अपनी पर्यायों का कर्ता तो है ही, क्यों यह परिणामति सा कर्ता, इस नियम के आधार से कि कर्ताकरण की व्यवस्था नहीं बनेगी। प्रत्येक देव अपने पर्यावरण का कर्ता है और वो निश्चय से करता है, है? लेकिन इसलिए परक में का कर्ता नहीं है और अपना फेरफार करता नहीं है, अब तेरे को कुछ काम नहीं रहा, तो समाधि हो गई, बस मैं ऐसी समाधि में हूं। उस समाधि से जो अनंत समता भाव पैदा होता है, वो क्या है, अपने समाधि शब्द है ना, मोह क्षोभ से रहित परिणाम पैदा होता है, वो असली समाधि है। नहीं तो कुछ ना कुछ कुछ करने का भार माथे पर रहता ही है। ये अकंठा बात समझ में नहीं आएगा तब तक माथे का भार नहीं उतरेगा, दूसरे का भार नहीं रहा तो अपना भार रह गया, तो भार तो भार है। यदि 100 किलो वजन का लोहा उठाओ, वो चाहे 100 किलो सोना उठाओ, फर्क क्या है? उस गधे को तो बेचारे को 100 किलो ढोना है, उसे तो 100 किलो लग रहा है, तो सोना है कि लोहा है, इससे गधे को क्या फर्क पड़ता है, हैं? तुम्हारे माथे बिल्कुल भार नहीं रहना चाहिए। ये पंक्तियाँ तो भाई आ गई, ये सब हैं इसमें। मैं दिन में 3 दफ़े इसका पाठ करता हूँ रोजीना, और खाना खाते वक्त मुझे सब एक एक पंक्ति याद है। मैं अब वो पेज पेज निकाल निकाल के नहीं बता सकता आपको, और ना मैं रटना चाहता हूँ, क्योंकि वो काम तुम्हारे लिए हो जाएगा, फिर मेरे लिए नहीं रहा, मैं अपने लिए करता हूँ। क्या कि जब सब कुछ नक्की है, वो पंक्ति तो है, क्रिमिनिमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा, हाँ वो पंक्ति है ना, क्रम नियमित पर्यायों का जब तक श्रद्धान नहीं होगा,
जब तक श्रद्धान नहीं होगार, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह आत्म राम कभी भी रे निर्भर नहीं होगा। यदि निर्भर नहीं होगा तो भव से पार नहीं होगा। अरे किसी के माथे पर कुछ भी करने का भार नहीं, समता भाव न जागेगा जब तक होंगे निर्भर नहीं। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। क्यों परमात्मा ख्याल में आएगा? दो अंतिम दो पंक्तियां फिर बोलो। समता भाव बिना समाधि भी कभी नहीं हो सकती है, और अकर्ता भाव बिना निर्भर नहीं हो सकते हैं। अकर्ता भाव के बिना निर्भर नहीं हो सकता, निर्भर नहीं हो सकते तो समता भाव नहीं हो सकता, समता भाव नहीं होगी तो समाधि नहीं हो सकती। भाई साहब ख्याल में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? जो 19वां पढ़ो, रहे प्रभावित धार निरंतर समाधिमय बहे निरंतर धार। हाँ, रहे प्रवाहित धार निरंतर नित समाधिमय सरिता की। अरे निराकुल जीवन मेरे छाप न हो व्याकुलता की। दूर दूर तक देना दिखाई परछाई आकुलता की। भय चिंता की अरु विकल्प की शंका की आशंका की। रे चाह नहीं कुछ बात नहीं, माथे पर कोई भार नहीं। सब अपने में ही सीमित है पर का कोई अधिकार नहीं। सारे संयोग निरर्थक है अर सभी बदलने वाले हैं। उनसे कुछ भी संबंध नहीं, वे यों ही जाने वाले हैं। अगले भव सब नक्की ही है, उनके चुनने की बात नहीं। एवं निदान है आर्त ध्यान, उसको करने की बात नहीं। निश्चित क्रम के अनुसार जहां भी जाना होगा जाऊंगा। भव से होना है पार बंधुवर, यही भावना भाऊंगा। पूर्ण वितरागी नहीं हुआ है ना, तो कुछ भावना तो होगी, तो एक ही भावना है मुझे भव से पार होना है। कहाँ जाना है? देवगति में जाना, नरक गति में जाना, सोल में स्वर्ग में जाना, बाद में स्वर्ग जाना, गुरुदेव के पास जाना, श्रीमंदिर परमात्मा, कुछ नहीं, कोई इच्छा नहीं है।